हे फूडीज, आज हम बहुत ही टेस्टी सी मलाईदार इंस्टेंट कुल्फी बनाएंगे, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार वैसे ही बनाएंगे, बिना क्रीम बिना कंडेंस मिल्क के। बहुत ही मज़ेदार और गाढ़ी सी कुल्फी हम घर पर ही बना लेंगे। इसे हम चार फ्लेवर्स में बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी से, पान कुल्फी, केसर बादाम कुल्फी, रोज़ कुल्फी और चोको कुकीज़ कुल्फी। तो चलिए झटपट से बनानी शुरू करते हैं हमारी बहुत ही मलाईदार और मज़ेदार सी कुल्फी। तो फूडीज़, इंस्टेंट कुल्फी बनाने के लिए हमें 1 लीटर होल फैट मिल्क चाहिए। इसे मैंने उबालने रख दिया है जब तक हम हमारी कुल्फी का इंस्टेंट मिक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। इंस्टेंट कुल्फी मिक्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले ग्राइंडर में हम लेंगे सबसे पहले काजू। ये मैंने है 1/2 कप काजू लिया है। ये काजू डालने से हमारी बहुत ही बेहतरीन और स्वादिष्ट कुल्फी बनेगी। ये हमारी कुल्फी को बहुत ही गाढ़ा टेक्स्चर देगा और बहुत ही टेस्टी बनाएगा। और मैंने लिया है इसमें 1/2 कप चीनी, जो कि हमारी कुल्फी को मिठास देगी। अब हम इसमें मिलाएंगे मेन इंग्रेडिएंट, जिससे बहुत ही मलाईदार और मज़ेदार कुल्फी बनके हमारी रेडी होगी। ये मैंने मिलाया है फ्रेंड्स 1/2 कप इसमें चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा। ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप चावल को सुखा लें, उस धो लें, सुखा लें और उसके बाद में उसे पीस लें। तो इस तरीके से 1/2 कप मैंने ये मिलाया है। इससे हमारी कुल्फी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, स्वादिष्ट और गाढ़ी बनेगी। तो ये मिक्स देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया है। ये हमारा जो इंस्टेंट कुल्फी मिक्स है, ये प्रिपेयर हो गया है, जो कि हम हमारी कुल्फी बनाने में काम में लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं, हमारा दूध भी जो है वो गर्म हो गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो मिल्क है 1 लीटर, इसमें उबाल आ गया है। इस तरीके से ऊपर इसमें मलाई आ गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे हिलाते रहना है और इसमें कम से कम 2 बार उबाल आने देना है। तो आप फुल आँच पे इसे उबाल आने दें और इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने दें। ये मतलब 1 लीटर है, तो इसका 1/2 लीटर हमको दूध कर लेना है। इस तरीके से हम इसे गाढ़ा कर लेंगे। इसे लगातार चलाते रहें। फ्रेंड्स, ये कुल्फी इतनी ज़्यादा टेस्टी और इतनी गाढ़ी बनती है। इसमें हमने कोई क्रीम का भी यूज़ नहीं लिया है। बहुत ही सस्ती से बन जाती है ये कुल्फी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होती है। तो ये दूध में हमारे 2-3 उबाल आ गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये दूध गाढ़ा हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने इंस्टेंट कुल्फी मिक्स बनाया था, हम धीरे धीरे करके इसे इसमें डालेंगे और हिलाते रहेंगे। एक साथ पूरा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालें ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। इस तरीके से फिर थोड़ा सा हम डाल देंगे और हम इसे अब कुछ नहीं करना है, लगातार चलाते रहना है। इसे आप डालते ही देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा दूध एकदम से ही गाढ़ा हो जाएगा। 2-3 मिनट तक आप इसे चलाएंगे तो देखेंगे स्पैचुला पे धीरे धीरे से ये दूध जो है ये लगने लगा है। देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी पास से भी किस तरीके से डालते ही गाढ़ा हो गया है हमारा दूध। ये देखिए, इस तरीके से हम एक तरीके से इसका कुल्फी का बेस तैयार कर रहे हैं। ये हमारा बेस तैयार हो जाएगा, फिर बस हमें इसमें फ्लेवर्स डालने होंगे और तरह तरह के फ्लेवरफुल कुल्फी हम बना लेंगे। तो ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है फ्रेंड्स हमारा ये मिक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख भी सकते हैं स्पैचुला पे किस तरीके से लग के उतर रहा है। बहुत ही ज़्यादा ये मलाईदार और गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे और फ्लेम बंद करने के बाद 2-3 मिनट तक इसे ऐसे ही हिलाते रहेंगे। क्या टेक्स्चर आ गया फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और एकदम मलाईदार कुल्फी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुल्फी का जो है बेस तैयार है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारी इंस्टेंट पान कुल्फी। पान कुल्फी बनाने के लिए हम सबसे पहले पान का मिक्सचर रेडी करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा ये गुलकंद, कि मैंने ले लिया है इसके अंदर 1/4 कप गुलकंद। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून खसखस शरबत। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा और फ्लेवर भी बहुत टेस्टी आएगा। ये हम ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड कर लेंगे इसके अंदर 2 बड़े चम्मच जो है डाइसेक्टेड कोकोनट पाउडर। अब इन सबको और थोड़ी सी सौंफ, 2 चम्मच सौंफ मैंने डाली है। ये मैंने कलकत्ता सौंफ लिया, इसे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये जो हमारा मिक्सचर रेडी है, अभी हमने इंस्टेंट कुल्फी इसमें लिखा ये बेस ले लिया है। इसमें 2 चम्मच हम हमारे इस मिक्सचर को ऐड कर लेंगे। साथ में इसमें सूखी हुई गुलाब की कुछ पत्तियाँ हैं, वो मैंने डाल दी है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारा पान कुल्फी में। और कटे हुए कुछ बादाम डाले हैं, थोड़ा सा ग्रीन कलर, ताकि दिखने में बहुत सुंदर दिखे। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, लेकिन फ्रेंड्स अब हम इसे कुछ नहीं करेंगे, बस मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना गाढ़ा हमारी कुल्फी का टेक्सचर हुआ है। बहुत ही टेस्टी बनेगी हमारी कुल्फी, इंस्टेंट पान वाली कुल्फी। कटोरी में हमने इसे बनाया रेडी है। ऊपर से थोड़े बादाम डालेंगे और रोज पेटल से डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इंस्टेंट कटोरी में पान कुल्फी एकदम रेडी है। इसे फ्रीजर में रख देते हैं। अब दूसरी फ्रेंड हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट चोको कुकीज़ कुल्फी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ये हमने उसके लिए भी सेम बेस ले लिया है हमारा कुल्फी का।
अब इसमें हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 1 टीस्पून कोको पाउडर, ये मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो ये सब ना करके सिर्फ डेरी मिल्क भी मेल करके डाल सकते हैं, या फिर चॉकलेट होती है उसको मेल करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने ऐसे बनाया है इसको। इसमें मैं ऐड करूँगी 2-3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस, और मैं इसमें ऐड कर लूँ ये हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 2 चम्मच के करीब मैंने ये ऐड किया है। अब इसे बहुत ज़्यादा क्रंची और बढ़िया बनाने के लिए कुकीज़ का फ्लेवर दे देंगे। हमने लिए है ये ओरियो कुकीज़, तो ये मैं क्या करूँगी, इसे जो है कूट लूँगी एक मूसली में, ताकि ये जब हम खाएंगे ना फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत ही क्रंची कुकीज़ का फ्लेवर आएगा और मुँह में बहुत ही बढ़िया लगेगा वो फ्लेवर। तो इस तरीके से मैंने ये कूट लिया है हमारी ओरियो कुकीज़ को। अब हम इसके अंदर इसको मिक्स कर देंगे। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रंची लगती है ये वाली चोको कुल्फ़ी। इस तरीके से हम इसे ऐड करेंगे और ये कुकीज़ का बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा हमारे मुंह में। तो ये हमारे इंस्टेंट कोको कुकीज़ वाली बनके कुल्फ़ी रेडी है। अब इसे ऊपर से डेकोरेट करेंगे थोड़ा कुकीज़ के साथ। अब इसे फ्रिज में हम जमने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेडी है। अब हम बनाएंगे हमारी फ्लेवर्ड कुल्फ़ी, जिसका नाम है रोज़ कुल्फ़ी। इसके लिए भी हमने सेम हमारा मिक्सचर ले लिया है कुल्फ़ी का। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले 2 चम्मच जो है रूअफ़ज़ा, ये सभी के घर में अवेलेबल होता है, वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। इससे बहुत ही अच्छा रोज़ का फ्लेवर आएगा। फिर हम जो चेरीज़ अवेलेबल होती है हमारे घर में, वो हमने थोड़ी सी चेरीज़ मिलाई है इसके अंदर, टूटी फ्रूटी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर थोड़ा सा मैं इसके अंदर फ्रेंड्स मिलाऊंगी रेड कलर, इसे अच्छा सा कलर देने के लिए। और फिर मैं ऐड करूंगी केवड़ा वाटर, ये रोज़ वाटर मैंने ऐड करा है 2-3 ड्रॉप्स। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, इसे बहुत ही अच्छा रोज़ का फ्लेवर आएगा और बहुत ही टेस्टी हमारी बनेगी ये। फिर मैंने फ्रेंड्स इसमें सूखे हुए थोड़े से रोज़ पेटल्स डाले हैं, ताकि जब हम इसे खाएंगे तो इसमें रोज़ के पेटल्स मुँह में आएंगे और वो बहुत ही टेस्टी फ्लेवर देंगे। तो इस तरीके से हमारी इंस्टेंट रोज़ कुल्फ़ी बन के बिल्कुल रेडी है। इसे डेकोरेट करेंगे ऊपर थोड़े से आलमंड्स के साथ, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्रंच आएगा मुँह में इसको। और ये थोड़े से रोज़ पेटल्स के साथ हम इसे डेकोरेट करेंगे, जिससे हमारी इंस्टेंट रोज़ कुल्फ़ी खाने में और दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तो फ्रेंड, ये रेडी है बिल्कुल हमारी रोज़ की कुल्फ़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे भी हम फ्रीज़र में जमने के लिए कर देते हैं। अब हम हमारा बनाते हैं 4th फ्लेवर, जो है केसर बादाम कुल्फ़ी। फ्रेंड्स, इसके लिए भी हम हमारा सेम वो ही ले लेंगे कुल्फ़ी का मिक्स, ये कुल्फ़ी का बेस है। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले बादाम, ये मैंने लिए हैं इसके अंदर थोड़े से बादाम, 10-15 बादाम उन्हें मैंने चॉप कर लिया था। फिर हम काजू ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये कुल्फ़ी पूरी ड्राई फ्रूट्स और केसर से भरी हुई है। फिर मैंने डाला है इसमें इलायची पाउडर, उसे क्रश कर लिया था। और मैं इसमें डालूंगी 5 से 6 जो है केसर की पत्ती, इससे बहुत ही अच्छा केसर का फ्लेवर आएगा और खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। एकदम ड्राई फ्रूट से भरी हुई मलाईदार हमारी ये कुल्फ़ी बन के रेडी होती है। इसे थोड़ा कलर देने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पिंच ऑफ येलो कलर, ये ऑप्शनल है, बट थोड़े से दिखने में हमारी इसे कुल्फ़ी और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, इसलिए मैंने ये ऐड करा है। फ्रेंड्स, ये वाली कुल्फ़ी बहुत ही यमी बनती है, पूरी ड्राई फ्रूट्स और केसर का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एकदम ये मलाईदार बनती है। तो देखिए, इस तरीके से ऊपर से बादाम से इसे हम डेकोरेट कर देंगे, बन के रेडी है हमारी इंस्टेंट केसर बादाम कुल्फ़ी। तो फ्रेंड्स, आप भी ये मलाईदार और मज़ेदार से कुल्फ़ी घर पे बना के ट्राई करें, और अगर ऐसी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल द सिबलिंग्स किचन को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।